नमस्कार, गुड आफ्टरनून। माया हॉलीडेज टूर्स एंड ट्रेवल्स में दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने टूर पैकेज के लिए बहुत सारे ऑप्शन ऑनलाइन में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप सही में प्रॉपर प्लान करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने होते हैं। तो इसके लिए माया हॉलीडेज टूर्स एंड ट्रेवल्स एक ऐसी कंपनी है जो आपके लिए बेहतरीन टूर पैकेज YouTube चैनल के माध्यम से टूर इटनरी के हिसाब से प्रॉपर गाइड करते हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है केरला है। अगर आप भी फैमिली ट्रिप हो, हनीमून ट्रिप है या बैचलर ट्रिप है, एडवेंचर एक्टिविटीज का ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए केरला एक अमेजिंग डेस्टिनेशन में से और भी अमेजिंग डेस्टिनेशन है। केरला बहुत ही ब्यूटीफुल और एक हॉट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे एट ए वन टाइम आपको हिल स्टेशन का एक्सपीरियंस के साथ साथ एक बीच एक्टिविटीज, समुद्र के किनारे की जो एंजॉय करने की स्थिति बनती है, ऐसे में आपको हाउस बोट वगैरह का पार्ट वहां पे बीच के किनारे या बीच पे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप केरला ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो माया हॉलीडेज का यूट्यूब चैनल अगर आपने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप किसी को पास करते हैं तो डेफिनेटली किसी के ये काम आ सकती है, तो आप इसको प्लीज शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप पूरे इंडिया से कहीं से भी केरला प्लान घूमने के लिए कर रहे हैं, केरला ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, ग्रुप हो सकता है, आपका ग्रुप टूर प्लान कर रहे हैं या हनीमून कपल है, तो आप हनीमून कपल के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। माया जो हॉलीडेज है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर बहुत हम लोग ऑर्गेनाइज करके देते हैं। आपका ट्रेन हो, फ्लाइट हो या बस हो या आपका वहाँ पे प्राइवेट व्हीकल हो, उसकी सब बुकिंग माया हॉलीडेज की तरफ से की जाती है। तो अगर आप इंडिया में किसी भी कोने में हो या आउट ऑफ कंट्री हो और केरला ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप इस ट्रिप को कैसे बुक कर सकते हैं। ये 4 नाइट 5 डेज का प्रोग्राम है जिसमें आपका ऑलमोस्ट केरला कवर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने टिकट्स बुक करने होते हैं, ऑप्शन उसमें आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय बस या अपना खुद का आपका व्हीकल लेके आप कोचीन पहुंच सकते हैं। कोचीन से अपना टूर स्टार्ट होता है, कोचीन टू मुन्नार, अलेपी और आपका टेकड़ी, ये सब वहाँ पे हमारे साइट सीन के पॉइंट्स रहते हैं। तो केरला ट्रिप के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जो मिनिमम हमारे होटल्स रहते हैं वो 3 स्टार सिमिलर रहते हैं, फिर भी अगर आपका किसी का बजट में, कम बजट में प्लान है या कम बजट का ट्रिप देख रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, या 3 स्टार के ऊपर आपको 4 स्टार 5 स्टार होटल कैटेगरी में ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी हमारे पास अवेलेबल है। माय हॉलीडेज टूर्स एंड ट्रेवल्स कि अगर आपको रिव्यूज चेक करने हैं तो आप गूगल में जाके माया हॉलीडेज रिव्यूज डाल के देखिए, वहाँ पे हम लोग जस्ट डायल में लिस्टेड है, तो डेफिनेटली आपको हमारे रिव्यूज वहाँ पे मिलेंगे। जो लोग हैं हमसे घूमने गए थे तो वो अपने ट्रिप के बारे में पूरा एक्सपीरियंस जस्ट डायल के थ्रू पे जो पोर्टल है वहाँ पे फीडबैक उन्होंने दी है, तो आप भी दे सकते हैं। 4 नाइट 5 डेज में हमारी तरफ से आपको ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, ब्रेकफास्ट इन ऑल होटल्स और ऑल साइट सीन बाय प्राइवेट व्हीकल, जिसमें 2 लोग 4 लोग 6 लोग 8 लोग 10 लोग या 12 20 50 कितने भी लोग हो सकते हैं आप, उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट यूजिंग के लिए सेपरेट व्हीकल मिलता है। जो व्हीकल आपको कोचिन से पिकअप करेगा वही व्हीकल आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट ड्रॉप करेगा। मोस्टली आप कोचिन रिटर्न आ सकते हैं, आइदर त्रिवेंद्रम ड्रॉप कर सकते हैं। ट्रेन या फ्लाइट टिकट अगर आपको बुक करनी होगी हम आपको बुक करके देंगे। तो डे वन से दोस्तों इसकी मैं आपको टूर इटनरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पास हो सके। डे फर्स्ट में आपको कोचीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, जहाँ भी आप पहुँचते हैं, आपके पहुँचने के पहले गाड़ी हमारा ड्राइवर वहाँ पे रुका रहता है। बिफोर वन डे हम ये गाड़ी नंबर, ड्राइवर नंबर आपको शेयर करते हैं। आप वहाँ पे कोचीन में जब पहुँचेंगे तो आपके पहुँचने के पहले गाड़ी हमारी रुकी होती है। डे फर्स्ट में हम कोचीन टू मुन्नार जाएंगे, जिसका लगभग डिस्टेंस आपका 130 किलोमीटर है। अप्रॉक्सीमेटली आप 4 से 5 घंटे का एक पीरियड पकड़िए। हिल स्टेशन है मुन्नार, ग्रीनरी के लिए, हिल स्टेशन के लिए फेमस है। वहाँ पे नेचर ब्यूटी जो है अमेजिंग है, टी गार्डन, टी म्यूजियम,
टी फैक्ट्री, या वहाँ पे नेशनल पार्क, इको डैम, फोटो पॉइंट, इको पॉइंट और कुडाला डैम है, सॉरी इको डैम नहीं, कुडाला डैम। तो ये सब पॉइंट्स आपके वहाँ पे साइट सीइंग के बहुत ही अट्रैक्टिव है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से जो हॉट डेस्टिनेशन है केरला है। तो डेफिनेटली ये सब हमारी तरफ से आपको वहाँ पे पूरे साइट सीन हमारी गाड़ी ड्राइवर पूरा कवर करके देंगे। टू नाइट्स आप स्टार्टिंग में केरला में स्टे करोगे और डे थ्री में आपका मुनार से चेकआउट होगा। टेकड़ी के लिए आप प्लान करेंगे, मुनार टू जो टेकड़ी प्लान है आपका, वो सेम व्हीकल आपका कंटिन्यू होता है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली आपका 4 घंटे की जर्नी है, 4 घंटे में आप मुनार से टेकड़ी आ जाएंगे। टेकड़ी जो फेमस है वाइल्ड लाइफ, ये भी हिल स्टेशन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कथकली का डांस आप यहाँ पे शो देख सकते हैं, स्पाइसेस जो आप अपने घर में गरम मसाले जिसको कहते हैं आप यूज़ करते हैं, उसकी जो नर्सरी प्लांटेशन की जाती है वहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। इवन आप परचेज कर सकते हैं आपके स्पाइसेस अपने होम के लिए। और साथ में वहाँ पे अगर आप टाइगर सफारी वगैरह का कुछ इंजॉय करना चाहते हो या लेक में कुछ बोट राइड लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इंजॉय कीजिए, उसके लिए ब्यूटीफुल प्लेस है ये टेकड़ी, हिल स्टेशन है। और दोनों ही जगह पे आपके जो होटल होते हैं ये नॉन एसी होते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही प्लीजेंट वेदर है, जिसमें आप 12 महीने में कभी भी प्लान कर सकते हैं। ये केरला एक्चुअली मोस्टली इसका जो सीजन है केरला के, ये सेप्टेम्बर से लेकर मार्च के पहले फर्स्ट वीक तक एकदम बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मुनार और टेकड़ी तो समर में भी कंप्लीट फुल हो जाता है बिकॉज ऑफ ये हिल स्टेशन है। तो वो एकदम आप ट्रिप का यहाँ पे केरला 12 महीने टूरिस्ट वैसे जा सकते हैं, पर बेस्ट टाइम जो मैंने आपको बताया है वही रहेगा। और डे थ्री में, सॉरी डे फोर में आप टेकड़ी से अलेपी आ जाते हैं। अलेपी हाउस बोट का पार्ट है, बैकवाटर ऑफ केरला, आपने सुना होगा। ये समुद्र का जो पानी है पीछे खाड़ी बन के आया, बैकवाटर ऑफ केरला, जहाँ पे आपको हाउस बोट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप हनीमून कपल है तो आपके लिए प्राइवेट हाउस बोट होगा, किसी के साथ आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडिविजुअली, क्योंकि इसमें आपका सेफ्टी सिक्योरिटी मेन कंसर्न होता है, तो इसलिए हम आपको कपल के लिए प्राइवेट हाउस बोट देते हैं, जिसमें सिंगल कपल रहता है। हनीमून के हिसाब से उनको फ्रीडम फैसिलिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आपके फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी मोस्ट कंसर्न होता है। अनोन प्लेस पे आप जाते हैं तो डेफिनेटली माई हॉलीडेज टूर्स एंड ट्रेवल्स आपको सबसे प्रायोरिटी जो लेती है आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की लेती है, उसके बाद आपका जो सर्विस का ग्रेड है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और माई हॉलीडेज की तरफ से जो आपको टूर कन्फर्मेशन या इटनरी दी जाती है प्रॉपर रिटर्न में दी जाती है, इन बिटवीन आपको वो ट्रस्ट हमारे से हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आप बिलीव नहीं करोगे, 80% क्लाइंट हमारे रिपीट और रेफरेंस से आते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ हम ट्रू ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। अभी जो ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये महाराष्ट्र पुणे में हमारा ऑफिस है, पुणे ऑफिस से मैं ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो हमारा कोचिन में सब ऑफिस है, मैसूर में है, मनाली में है, श्रीनगर में है और दिल्ली में ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। पूरे इंडिया में और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हमारी सर्विस होती है। लेकिन आज हमारा जो विषय है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो केरला है। तो केरला ट्रिप के लिए जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए प्राइवेट हाउस बोट, हनीमून कपल के लिए फैमिली वाले हैं, तो एज पर नंबर ऑफ पीपल्स यानी कि लोग कितने, उसके हिसाब से हाउस बोट वहाँ भी प्राइवेट दी जाती है आपको। यानी कि हमारा जो क्लाइंट है किसी के साथ आपको अनाउन पर्सन के साथ रात गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाउस बोट एक अमेजिंग पार्ट है, बैकवाटर ऑफ केरला है, एसी डिलक्स हाउस बोट रहेगी, जिसमें आपको फूड कंप्लीट ये पैकेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर वेज नॉन वेज एज पर क्लाइंट चॉइस दिया जाता है। शेफ किचन वगैरह फैसिलिटी हाउस बोट के अंदर की होती है पूरा। आप जो ऑर्डर करते हैं वेज या नॉन वेज, वो फूड आपको उसी हाउस बोट के अंदर दिया जाता है। डाइनिंग अरेंजमेंट रहता है और जो हाउस बोट का रूम है आपका एसी डिलक्स कैटेगरी का रहता है। और इसका जो हाउस बोट का वहाँ पे इंजॉय है, उसकी एक राइड रहती है, ओपन एटमोसफेयर में आप राइड लेते हैं वाटर के ऊपर, और वहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट्स रहते हैं, तो वो जो राइड का एंजॉय है बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट है सर या मैम, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल सीन नेचर। तो ये सब आपको वहाँ पे बैकवाटर ऑफ केरला में जो लोकल कल्चर केरला का है, वो आजू बाजू में विलेजर कैसा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो सब भी आप वहाँ पे हाउस बोट की जब राइड लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है।
अगर आप हनीमून कपल है तो आपके इसमें स्पेशलाइजेशन है, वन नाइट बेड डेकोरेशन, कैंडल लाइट डिनर, हनीमून केक, ये सब भी है हमारे ही तरफ से अरेंजमेंट रहता है। इसमें अगर आप प्लान कर रहे हैं, वैसे तो हमारा बेसिक कैटेगरी पैकेज अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 10,800 रुपीज से स्टार्ट होता है 4 नाइट 5 डेज के लिए केरला का, जिसमें 3 स्टार सिमिलर होटल है, ट्रांसपोर्टेशन है, अकोमोडेशन है, ब्रेकफास्ट है, और हाउस बोट के अंदर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कंप्लीट वेज नॉन वेज दिया जाता है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और ऑल टैक्सेज इंक्लूडेड से टोल, पार्किंग, ड्राइवर भत्ता, टूरिज्म टैक्स, ग्रीन टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब पैकेज के अंदर आपका इंक्लूड रहता है एक्सेप्ट आपका लंच और पर्सनल एक्टिविटीज। यानी कि वहाँ पे आपको दो चीज़ें छोड़ के पर्सनल एक्टिविटीज, जैसे कोई आपका शॉपिंग है, कोई आप एक्स्ट्रा राइडिंग ले रहे हैं, कुछ आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ये सब आपका पर्सनल एक्टिविटीज़ में आता है। लेकिन बाकी पैकेज के अंदर की फैसिलिटी सब हमारे पैकेज के अंदर कॉस्ट इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से अगर आप भी केरला प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है माया हॉलीडेज टूर्स एंड ट्रेवल्स के। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे इसी YouTube चैनल का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा 9224301 96, अल्टरनेट नंबर है 7276015138, और साथ में वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया गया है www.mayaholidays.in। अगर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी केरला से रिलेटेड टूर पैकेज के या ऑल ओवर कंट्री या इंटरनेशनल लेवल के पैकेज आपको सब मिलेंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट केरला था। अगर आपको केरला से संबंधित और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपका ये शेयर किसी का काम आ जाए, बिकॉज ऑफ कभी ना कभी आप फ्यूचर में ट्रिप प्लान करते हैं, फ्रेंड सर्कल में प्लान करते हैं, तो उनके लिए भी एक फ्यूचर के लिए एक इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है। तो इस तरह का आज का ये सब्जेक्ट मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसे बेल आइकन के ऊपर एक जो प्रेस करने का बटन आता है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, माय हॉलीडेज का ये YouTube चैनल में ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।